हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेयर कट की वीडियो। गाइस, ये है मेरे क्लाइंट जिनके हेयर इतने लंबे हैं और थोड़े से फ्रिजी भी हैं, तो आज मैं इन पे आप लोगों को बताने जा रही हूँ फुल लेज़र हेयर कट। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले इसे टेंगल फ्री कर लेंगे और वाटर स्प्रे कर लेंगे, और उसके बाद चलते हैं कि देखते हैं कैसे करते हैं इस हेयर का कट, फुल लेज़र हेयर कट। तो गाइस, यहाँ पे सेंटर पार्टीशन कर लेना है और दोनों तरफ से थोड़े थोड़े हेयर लेना है और उसमें एक कट लगाना है, वो हो जाएगा आपका गाइडलाइन। यहाँ पे मैं कस्टमर से पूछ रही हूँ कि उन्हें कितना लेंथ रखना है, यानी फर्स्ट लेंथ जो होगा वो कितना होगा, तो उनके पसंद के अनुसार यहाँ पे कट लगा लिया गया है। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे तिरछा हेयर कट। तो पूरे हेयर कट में, मीन्स पूरे वन साइड के पार्ट में ये तिरछा हेयर कट कर ले रही हूँ मैं इस तरीके से। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग को यही काम करना है फुल लेज़र हेयर कट में। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर ली हूँ ताकि आप लोग को भी अच्छे से पता चले कि मैं ये हरकट किस तरीके से कर रही हूँ। तो गाइस, ऊपर से नीचे तक एक गाइडलाइन लिया गया था और उसी गाइडलाइन के हिसाब से पूरे हेयर को तिरछा कट किया जा रहा है। और लास्ट में यहाँ पे मैं कस्टमर के को कितना छोटा करना है ये पूछकर उसको कट कर लगा दे रही हूँ। मीन्स फर्स्ट लेंथ और लास्ट लेंथ, ये आप कस्टमर के हिसाब से ही करेंगे। और अब मैं यहाँ पे इसे फिर से फाइनल टच दे रही हूँ। फाइनल टच करने के लिए इस तरह से आप फ्रंट में खड़े होंगे और हेयर को इस तरीके से पार्टीशन करेंगे और सामने की तरफ यानी नोज़ की तरफ हेयर को लेके जाएंगे और इस तरीके से उसे फिनिशिंग कट देंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो गाइस, इस तरीके से मैं यहाँ पे इनका फुल लेज़र हेयर कट कर रही हूँ। यदि आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को एक बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। मीन्स जितने भी मैं वीडियोस डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोग को अगर ऐसा लगे कि ये दूसरे के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो आप शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं फर्स्ट गाइडलाइन के हिसाब से पूरे हेयर को थोड़े थोड़े पार्टीशन करके लेते जा रही हूँ और नोज़ की तरफ ला रही हूँ, किस तरह से हाथ में होल्ड कर रही हूँ। इस सारे को आप ध्यान से देखेंगे, और आप चाहते हैं कि इस हेयर कट को सीखना तो आप इसको बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, तो ज़रूर ही आप हेयर कट सीख जाएंगे। विग्नर्स के लिए लॉन्ग हेयर में कोई भी कट करना थोड़ा मुश्किल होता है गाइस, तो आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसको बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर ही ये हो जाएगा। गाइस, प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, यदि आपके पास क्लाइंट ना हो और आप फिर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं हेयर के, तो आप किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे इसका भी वीडियो मैं बनाऊँगी। यदि आप लोग चाहते हैं कि हेयर कट को बहुत ही अच्छे तरह से करना, तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, तो मैं उस तरह का भी वीडियो बनाऊँगी कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट ना हो, कोई कस्टमर ना हो, तो आप किस तरीके से, मीन्स कोई कटवाना नहीं चाहते हो, तो फिर आप किस तरीके से हेयर कट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से कर रही हूँ मैं कट। तो इसी तरीके से आप पूरे हेयर कट को हर एक बार अपने फिंगर्स में इस तरह से होल्ड करेंगे, नोज़ की तरफ लाएंगे और इस तरीके से फाइनल टच देते जाएंगे। फाइनल टच में भी आपको क्या करना है ना, कि आपको बस तिरछा ही काटना है। गाइस देखिए, एक साइड का ये कटिंग हो गया है और ये कैसा लग रहा है आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। इनका थोड़ा सा कर्ल है, थोड़ा सा फ्रिजी हेयर है, तो ये कट और भी अच्छा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि फ्रिजी हेयर है या फिर कर्ल है तो नहीं दिखेगा। ये जो फुल लेज़र हेयर कट है ना, ये हर बाल में अच्छा लगता है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस साइड के गाइडलाइन से मैं नेक्स्ट साइड के हेयर में थोड़ा सा कट लगा ली हूँ ताकि मुझे गाइडलाइन मिल जाए, और उसके बाद मैं पूरे हेयर में कट करूँगी सेम उसी तरीके से जिस तरीके से उस साइड में की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रफली कटिंग कर रही हूँ, आप देख रहे हैं पूरा रफली कटिंग मैं नीचे तक ले रही हूँ फुल लेज़र वाला। तो ये हो गया रफली कटिंग, और इसके बाद मैं इसमें सेप करूँगी, यानी कि फाइनल टच, फाइनल सेपिंग होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए कि कैसे मैं यहाँ पे पार्टीशन ले रही हूँ, और इसके बाद फिंगर में इस तरह से होल्ड करना है, नोज़ की तरफ ले जाना है। यहाँ पे मैं फिंगर में ना होल्ड करके कम में ही कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस साइड के पूरे हेयर में कट लगा लेंगे।
गाइस, मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बनाई हूँ, साथ में मेरे कुछ स्टूडेंट भी हैं जो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने कहा कि मैम कैची को सिर्फ नीचे से ही करेंगे चलाएंगे या फिर ऊपर से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उन लोग के लिए, उन लोग को बताने के लिए, आप देख रहे हैं कि कैची ऊपर से भी चला रही हूँ, मीन्स आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नीचे से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऊपर से भी चला सकते हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नीचे से ही करेंगे या ऊपर से ही कैची चलाएंगे, आपको सुविधा जैसे होता है वैसे कीजिए। बस यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपको कट कैसे करना है, कट यहाँ पे तिरछा होना है तो बस तिरछा होना चाहिए बस। और आप हेयर को कैसे होल्ड कर रहे हैं, किस तरह से पार्टीशन कर रहे हैं, ये सब मायने रखता है गाइस कि आप कट कैसे कर रहे हैं, कैची को ऊपर से चला रहे हैं या नीचे से, ये मायने नहीं रखता है। हाँ, ये मायने रखता है कि आप कैची को कैसे होल्ड कर रहे हैं। मैं कैची को कैसे होल्ड किया जाता है ये वाला वीडियो भी बनाई हूँ, तो आप लोग चाहें तो उसे आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक। तो गाइस, इस तरीके से आप हेयर को पूरे शेप कर लिए हैं, नीचे से ऊपर तक मैं यहाँ पे शेप कर ली हूँ। और ये हो गया फाइनल ये कट, यानी कि फुल लेज़र इन लॉन्ग हेयर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों साइड से थोड़े थोड़े हेयर को ले रही हूँ और उसे मिला रही हूँ कि किसी तरफ छोटा या बड़ा नहीं हो। ये फाइनल टच हो गया गाइस। मैं आपको बहुत सारे हेयर कट दिखाई हूँ तो जिसमें मैं ये चीज़ ज़रूर करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपका कहीं से भी, आप अगर विगनर से तो आपका कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं रहता है और हेयर में बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करेंगे जब भी आप ये काम करते हैं ना, कटिंग करते हैं, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपका हेयर कट में बहुत ही अच्छा फिनिश आता है। तो यहाँ पे गाइस ये रहा इनके एक साइड के हेयर कट का लुक, और मैं आपको पीछे से भी दिखा दे रही हूँ, ये रहा दूसरे साइड का हेयर कट का लुक और ये रहा पीछे से। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर ही बताइएगा, और आप लोग कौन सा हेयर कट कर देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।